हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे आई विल टेल यू हाउ टू कुक मेथी मटर मलाई टेक 250 ग्राम ऑफ मेथी लीव्स एंड वॉश इट जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूं अब गैस जलाइए और पाँच से सात मिनट तक हाई फ्लेम पर कढ़ाई गरम कीजिए पाँच से सात मिनट के बाद आप वन एंड हाफ टेबल स्पून घी ऐड करिए एक मिनट बाद इसमें एक बड़ी साइज की कटी हुई प्याज ऐड करिए और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनिए। मेथी मटर मलाई बहुत ही रिच सब्जी है इसलिए इसमें हम केवल घी का इस्तेमाल करेंगे ना कि तेल का आप भी घी का इस्तेमाल करिए गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें ऐड करेंगे सात से आठ लहसुन की कलियाँ, तीन हरी मिर्च कटी हुई तीन छोटे टमाटर कटे हुए सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाइए और इसे ढक के सात से आठ मिनट तक पकाइए गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है सात से आठ मिनट के बाद हम सारे मिक्सचर को मिक्सचर जार में डालेंगे और टू थर्ड ऑफ वाटर ऐड करेंगे फिर हम इसका थिन पेस्ट तैयार करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम गैस जलाएंगे और हाई फ्लेम पे कढ़ाई को पाँच मिनट तक गर्म होने देंगे पाँच मिनट बाद हम इसमें एक टीस्पून घी ऐड करेंगे पाँच मिनट तक मेथी की पत्तियों को मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे भुने हुए मेथी के पत्तों को आप अलग प्लेट में निकाल लें फिर सेम कढ़ाई में आप एक टीस्पून घी ऐड करें और इसके बाद आप इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करें खड़े गरम मसालों में सबसे पहले मैंने लिया है जीरा वन फोर्थ टी स्पून फिर एक तेज पत्ता एक छोटी इलायची एक इंच दालचीनी मिलाकर इसे एक मिनट तक भुनूंगी। उसके बाद मैं इसमें बनाया हुआ मिक्सर ऐड करूंगी और पाँच से सात मिनट तक अच्छे से भूनूंगी गैस की फ्लेम हाई है पाँच से सात मिनट के बाद हम सूखे मसाले में एक टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून जीरा पाउडर एक टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करके दो मिनट तक अच्छे से भुनेंगे दो मिनट बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एक टी स्पून मसाला डाल के दो मिनट तक और पकाइए दो मिनट बाद इसमें एक कप हरी मटर डालिए यहां पे मैंने फ्रोजन हरी मटर ली है जिसे मैंने दो मिनट तक बॉयल कर लिया था अब इसमें पके हुए मेथी के पत्तों को ऐड करिए और इसे पांच से सात मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाइए से सात मिनट के बाद गैस की फ्लेम लो कर दीजिए एक कप इसमें क्रीम ऐड करिए और आधा कप पानी ऐड करिए पे मैंने जो क्रीम यूज किया है वो अमूल का है अब सारे मिक्सर को आप धीमी आंच पर दस मिनट तक पकाइए बीच बीच-बीच में चलाते रहिए दस मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर बिना ढके हुए पकाना है अगर जरूरत पड़े तो आप इसमें आधा या एक कप पानी भी ऐड कर सकते हैं हमें इसे लगातार इसलिए चलाना है ताकि हमारे मसाले कढ़ाई में चिपक कर जले ना लो फ्लेम पर क्रीम पकने से सब्जी का टेस्ट और भी दुगना हो जाता है तो आप इसे लो फ्लेम पर ही पकने दें अब इसमें एक कप पानी ऐड करिए और इसे ढक के पाँच से सात मिनट तक पकाइए गैस की फ्लेम लो ही रहने दें पाँच से सात मिनट बाद आप इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करिए और आपकी मेथी मटर मलाई बनके तैयार है आप इसे रोटी या फिर चीज़ पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं मेथी मटर मलाई मैंने अपने सब्सक्राइबर सौरभ के रिक्वेस्ट पे बनाया है तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपना फीडबैक मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपकी भी कोई डिमांड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मैं उसे लेकर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आ जाऊँगी थैंक यू बाय